हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो हमारा जो ये डिस्कशन चल रहा है वो चल रहा है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, कैसे अपन डिजिटल इनपुट को एनालॉग आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने बताया था आपको बाइनरी वेटेड रजिस्टर टाइप, उसमें अपन ने देखा था कि प्रॉब्लम क्या आ रही थी। जैसे नंबर ऑफ बिट इंक्रीज होती है वैसे ही हमारी जो रजिस्टेंस की वैल्यू है वो भी इंक्रीज होती है, क्योंकि जो रजिस्टेंस हमारा लगा रहे थे अपन वो 2 के मल्टीप्लेस में हो रहा था, 2R, 4R, 8R इस टाइप से। ओके, तो उसको रिमूव करने के लिए, कम करने के लिए कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कम रिक्वायर्ड हो, अपन ने ये यूज़ क्या कर रहे हैं, R2R लैडर टाइप डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ओके, तो ये इसका सर्किट है, ये हमने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बनाया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है ये लगे हुए हैं RR, यहाँ पे ये 2R है हमारे, ये हमारा बिट्स है हमारे 3 बिट का, अपन लेके चलना है D0, D1, D2, ये LSB है, ली सिग्निफिकेंट बिट, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ओके, अब अपन देखते हैं कि सपोज अपन जो इनपुट लेते हैं सबसे पहले वो अपन लेते हैं 001। ओके, मतलब D00 है, D1 है और ये D2 है। तो अगर 001 इनपुट अपन देते हैं इसका मतलब क्या है, ये वाला जो रजिस्टर है किससे कनेक्ट होगा, ग्राउंड से, क्योंकि इनपुट क्या है 0, ये ग्राउंड से कनेक्ट होगा। ये किससे कनेक्ट होगा, हमारा वी रेफरेंस से, मतलब ये कैसा कनेक्ट होगा, ऐसा, ये ऐसा कनेक्ट होगा और ये हमारा इस तरीके से कनेक्ट होगा। ओके, तो अगर अपन देखें तो हमारा जो सर्किट होगा वो हमारा कुछ किस तरीके से बनेगा, अगर इसी सर्किट को अपन देखें तो ये क्या है, ये ग्राउंड से कनेक्ट हो गया, ये ग्राउंड से और ये हमारा क्या है, यहाँ से कनेक्ट हो गया है। यहाँ पे अगर अपन सर्किट बना लें तो किस तरीके से बनेगा, ये यहाँ पे हो गया हमारा, ये 2R है, ये फीडबैक रेजिस्टेंस है 3R, ये आउटपुट वोल्टेज है V0, ये हमारा 2R है, ये किससे कनेक्ट है, VR रेफरेंस वोल्टेज से, ये है यहाँ पे R, ये 2R है, ये ग्राउंड से कनेक्ट है, यहाँ पे ये R, ये 2R है, ये भी ग्राउंड से कनेक्ट है और यहाँ पे ये एक और 2R है, ये भी ग्राउंड से कनेक्ट है। ओके, अब अपन इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस तरीके से हमारा आउटपुट वोल्टेज आता है। ओके, तो सबसे पहले अपन को ये सर्किट सॉल्व करना है। इस सर्किट को आप सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, हमारा सबसे पहले तो ये जो दोनों रेजिस्टेंस है, ये 2R और 2R, ये दोनों क्या है, पैरेलल में। तो अगर पैरेलल में रेजिस्टेंस होते हैं तो अपन कैसे सॉल्व करते हैं, सपोज ये रेजिस्टेंस मान लेते हैं अपन, इन दोनों का रेजिस्टेंस क्या है, 1R1, ठीक है। तो 1/R1 इक्वल टू क्या होगा, 1/2R प्लस 1/2R, इसी तरीके से निकालते हैं। पैरेलल में रेजिस्टेंस को सॉल्व करने का तरीका यही है, तो क्या आ जाएगा, 1+1 2। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 1/R1 इक्वल टू 1/R, मतलब R1 इक्वल टू क्या है, R। ओके, या सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, इन दोनों का ऊपर मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाय दोनों का सम, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, 4R² डिवाइड बाय 4R, तो क्या आ गया हमारा, R। तो यहाँ जो R1 इक्वल टू है वो क्या आया, R। तो अगर ये दोनों पैरेलल में है तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, R। ओके, ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है, ये आप सर्किट थ्योरी में पढ़ चुके होंगे या सर्किट में आप देख सकते हैं क्लासेस जो है मेरी उसमें। ओके, तो इन दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है 2R 2R, ये क्या आ गया, R। तो अब सर्किट कैसा बना, ये R, ये R यहाँ पे है, ये 2R ग्राउंड है, ये R हो गया, ये R हो गया है। ओके, ये 2R यहाँ से अभी ग्राउंड है, ये R है, यहाँ पे ये 2R है, ये वोल्टेज VR है, ये ग्राउंड है, ठीक है, ये हमारा 2R। आप इसको लिखते जाइएगा, मैं इसे मैं रफ कर रही हूँ, तो आप एक एक स्टेप लिखते जाइएगा अपनी कॉपी में, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। ओके, अभी हमारा सर्किट इतना हो गया, 2R 2R क्या है, R हो गया, ये R ऑलरेडी है, 2R है, ये R, ये 2R V रेफरेंस है, VR से कनेक्ट है हमारा। ओके, ये 2R है, ये 3R। अब इस तरीके से हो गया, अब ये दोनों R और R, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, R प्लस R क्या होता है सीरीज में, R+R अगर सीरीज में कनेक्ट है तो डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 2R। ओके, तो अब हमारा सर्किट कैसे बनेगा, ये R+R क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2R। ओके, अभी 2R और 2R फिर कैसे हो गए दोनों हमारे पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में है कि नहीं है हमारे, ये भी ग्राउंड से कनेक्ट है, ग्राउंड से, ये दोनों पैरेलल में, तो अभी ये दोनों पैरेलल में है तो इनका क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, 2R और 2R, R अभी अपन ने फाइंड किया था, तो 2R और 2R इन दोनों को फिर सॉल्व करेंगे तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R, ठीक है, ये R ऑलरेडी क्या है,
सीरीज में कनेक्ट है, ये भी ग्राउंड से कनेक्ट है। अब ये आर और आर फिर सीरीज में कनेक्ट है तो ये क्या हो जाएगा, 2R। ओके, अब ये यहाँ पे ग्राउंड से कनेक्ट है बट ये क्या है, वी आर, रेफरेंस वोल्टेज से कनेक्ट है। सॉरी ओके, तो क्या होगा हमारा, क्या यहाँ पे जो वोल्टेज है वो हमारा, इन दोनों को पैरेलल में कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्योंकि ये अलग से कनेक्ट है, ये ग्राउंड से कनेक्ट है और ये हमारा एक रेफरेंस वोल्टेज से कनेक्ट है VR से। ओके, तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए अब अपन को क्या है, RTH ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज फाइंड करना होगा, RTH एंड VTH ठीक है। तो RTH और VTH जो है अपन कैसे फाइंड करेंगे, VTH वोल्टेज डिवीजन रूल जैसे हमने आपको बताया था, तो क्या होगा हमारा यहाँ का वोल्टेज अगर अपन को फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, VR into 2R upon 2R plus 2R। ओके, जब भी अपन वोल्टेज डिवीजन रूल फाइंड करते हैं तो यहाँ का वोल्टेज फाइंड करना है, तो यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, इनपुट वोल्टेज, सपोज ये वोल्टेज मान लेते हैं VA, तो VA इक्वल टू क्या होगा, इनपुट वोल्टेज क्या है, VR रेफरेंस वोल्टेज इनटू जो रेजिस्टेंस, जहां वोल्टेज जितना है हमारा 2R डिवाइड बाय, ये दोनों क्या आ जाएंगे सीरीज में, 2R प्लस 2R, तो VA बराबर क्या होगा हमारा, VR इनटू 2R अपॉन 2R प्लस 2R 4R, तो क्या आ जाएगा हमारा वोल्टेज, VA इक्वल टू हो जाएगा VR बाय 2 ठीक है। तो थेवेनिन वोल्टेज जो है वो क्या हो गया, VR बाय 2। अब RTH जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, 2R इनटू 2R, दोनों पैरेलल में, मतलब ये वोल्टेज जब अपन RTH फाइंड करते हैं तो इसको क्या कर देते हैं, जीरो, ओपन सर्किट, तो ये 2R 2R अब पैरेलल में हो गए, 2R 2R डिवाइड बाय 2R प्लस 2R, तो RTH बराबर क्या हो जाएगा, R। ओके, तो क्या हो गया हमारा, VA बराबर हो गया हमारा क्या, VR बाय 2, और ये क्या हो गया, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2R। तो किस तरीके से सर्किट बना हमारा, ये तो हमारा यहाँ कनेक्ट था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया हमारा क्या, R, और हमारा जो वोल्टेज है वो क्या हो गया हमारा, यहाँ पे जो वोल्टेज है वो हो गया VR बाय 2। ओके, अभी 2R और R ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे, सीरीज में हो जाएंगे, 2R और R है ये दोनों सीरीज में हो गए, तो 2R प्लस R कितना हो जाएगा हमारा, सीरीज में कनेक्ट है तो 3R, यहाँ का वोल्टेज है VR बाय 2, ये 0 वोल्ट है तो ये भी क्या होगा, 0 वोल्ट होगा, सपोज ये वोल्टेज VB है और ये हमारा VC है। ओके, यहाँ पे अपन देखते हैं, ये VC है और ये VB है, VC इक्वल टू 0 है, VB इक्वल टू VC होगा ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा, VB और VC बराबर होगा, तो ये भी 0 वोल्ट होगा, तो VB बराबर VC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट। ओके, अब अगर अपन को यहाँ पे इक्वेशन फाइंड करनी है कि आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, इनपुट वोल्टेज क्या हो गया, VR बाय 2, ये अपन ने फाइंड कर लिया, ये क्या होगा, तो कैसे लगाते हैं अपन इक्वेशन, यहाँ पे करंट माना ये आ रहा है I, ये जा रहा है फीडबैक करंट IF और ये है इनपुट करंट II। ओके, तो ये जो I है वो किसके बराबर होगा, II प्लस IF, I इक्वल टू II प्लस IF, ये जो B है ठीक है, एट पॉइंट B अप्लाई KCL, पॉइंट B पे KCL अप्लाई करेंगे, KCL क्या बोलता है, किरचॉफ करंट लॉ, कि जितना भी एंट्रिंग करंट है वो आउटगोइंग करंट के बराबर होगा, तो इस पॉइंट पे एंट्रिंग करंट कौन सा है, आई आई आ रहा है, और दोनों आउटगोइंग कौन से हैं, आई आई और आई एफ, एंट्रिंग करंट आई और दोनों ये हो गए आउटगोइंग करंट, तो आई जो है वो क्या होगा, वी आर बाई टू माइनस जीरो, वी आर बाई टू माइनस जीरो डिवाइड बाय थ्री आर ठीक है, इक्वल टू आई आई क्या होगा, जीरो, क्योंकि इनपुट इम्पीडेंस जो होता है ओपेम का इनफाइनाइट होता है, इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट है, इसलिए इनपुट करंट क्या होगा, जीरो। ओके, यहाँ आई एफ क्या होगा, जीरो माइनस वी नॉट बाय थ्री आर। ओके, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो थ्री आर से थ्री आर हमारा कट गया, माइनस वी नॉट इक्वल टू क्या आ गया, वी आर बाय टू, तो वी नॉट इक्वल टू क्या आया हमारा, माइनस वी आर बाय टू। ओके, V not equal to क्या आ गया हमारा, माइनस वी आर बाय टू, तो ये हो गया। मान लो अपन ने सपोज माना था कि बिट हमारी जो है D2, ये क्या हमारी ऑन है, अगर बिट D2 हमारी ऑन है तो क्या आ गया, माइनस वी आर बाय टू। सपोज अब अपन लेके चलते हैं कि जो हमारी बिट
D1 है, ये ऑन है. ओके, एक और अपन देखते हैं इसमें इनपुट. सपोज अपन बोलते हैं कि 010, मतलब ये वाली बिट ऑन है, बाकी ये दोनों क्या है, अगर ऑफ है, मतलब ग्राउंड से कनेक्ट है, तो क्या होगा. तो जो हमारा सर्किट बनेगा वो हमारा किस टाइप से बनेगा वो अपन देखते हैं. ये जो सर्किट है वो हमारा किस टाइप से सर्किट बनना चाहिए, ये कुछ इस तरीके से है. ये V0 3R 2R. ओके, ये जो 2R है अब ये किससे कनेक्ट होगा, ग्राउंड से. यहाँ का जो 2R है ये ग्राउंड से कनेक्ट हुआ. ओके, ये है R. ये जो 2R है ये किससे कनेक्ट है, आप VR से. ठीक है, ये 2R है ये किससे कनेक्ट है, ग्राउंड से. देखो ये वाली बिट 0 है तो ये ग्राउंड से, ये बिट 0 है ग्राउंड से, और ये 1 है मतलब ये रेफरेंस से कनेक्ट है. ओके, ये 2R. तो ये सर्किट कुछ हमारा इस तरीके से बन गया है. अब अपन इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि बी आउट हमारा क्या आता है. ओके, इसको आप सॉल्व करते हैं तो सेम प्रोसीजर, 2R पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा इसका रेजिस्टेंस, दोनों पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R होगा. अभी R और R क्या है, दोनों सीरीज में है तो R प्लस R सीरीज में क्या होता है, इक्वल टू 2R. तो ये क्या हो जाएगा, 2R. तो यहाँ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, 2R. ये ग्राउंड है. अब ये ग्राउंड से कनेक्ट है बट ये रेफरेंस वोल्टेज से कनेक्ट है, तो क्या इनको अपन डायरेक्टली कर सकते हैं, नहीं कर सकते. क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे, VTH एंड RTH. सेम अपन ने उस केस में भी ऐसे ही था फाइंड किया था. VTH यहाँ का वोल्टेज मानते हैं VTH है, तो VTH क्या होगा, VR into 2R by 2R plus 2R. ओके, तो VR into 2R divide by 4R. R से R cancel out, 2 से 2. तो VTH बराबर क्या हो गया, VR by 2. मतलब यहाँ का वोल्टेज क्या हो जाएगा, VR by 2. अब RTH क्या होगा, दोनों क्या होंगे पैरेलल में. RTH में क्या करते हैं, जो वोल्टेज सोर्स है उसको क्या कर देंगे, ओपन, करंट सोर्स को शॉर्ट. तो इसको ओपन सर्किट कर देंगे, मतलब ग्राउंडेड हो जाएगा. तो ये क्या होंगे, 2R into 2R divide by 2R plus 2R, 4R square divide by 4R. तो ये क्या होगा, RTH equal to R. ओके, तो ये इसका इक्विवेलेंट हमारा कैसे बन जाएगा, इसका इक्विवेलेंट जब अपन फाइंड करते हैं तो हमारा किस तरीके से होगा. ओके, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा क्या हो गया, ये R, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R, और ये वोल्टेज कितना हो गया यहाँ पे, VR by 2. ओके, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज आया VR by 2, और ये आ गया RTH कितना हमारा, R. अब इसको सॉल्व करेंगे अपन तो ये कितना हो जाएगा हमारा. अब देखिए फिर से, यहाँ ये VR by 2 से कनेक्ट है और यहाँ ये ग्राउंड से कनेक्ट है, तो फिर डायरेक्टली अपन इसको सॉल्व नहीं कर सकते. ये क्या हो गया, R और R दोनों 2R, R और R सीरीज में है तो ये 2R. अब यहाँ का वोल्टेज क्या होगा हमारा, ये VR by 2 है और ये ग्राउंड से, तो फिर से यहाँ पे अपन को थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज निकालना होगा. क्या होगा, VR by 2 into 2R divide 2R divide by 2R plus 2R. क्या हो जाएगा, VR by 2 into 2R divide by 4R. ये कट गया 2 से 2, तो कितना आ गया, VR by 4. तो अब VTH क्या हो गया, VR by 4. RTH क्या हो जाएगा, 2R into 2R divide by 2R plus 2R. ये दोनों क्या है, पैरेलल में है, इसको ग्राउंड कर देंगे 0 वोल्ट, ये दोनों आ जाएंगे पैरेलल में. 2R divide by 2R plus 2R, 4R square divide by 4R. RTH क्या हो गया हमारा, R. ओके, तो अब यहाँ का वोल्टेज कितना आ गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया R, और वोल्टेज कितना आ गया हमारा, VR by 4, और ये R और R 2R. अब इसको अपन सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा हमारा, ये दोनों क्या है सीरीज में, तो सीरीज में कनेक्ट होंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3R. ओके, ये क्या था, ग्राउंडेड. अगर ये 0 वोल्ट है तो ये भी 0 वोल्ट होगा ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट. यहां से अपन लिखेंगे ये करंट, सपोज आई है, ये इनपुट करंट जा रहा है आई, और ये हमारा फीडबैक करंट IF. तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, II प्लस IF. इस पॉइंट पे KCL अप्लाई कर रहे हैं. KCL क्या कहता है, सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट. तो इनकमिंग कौन सा है, II, और आउटगोइंग कौन सा है, II और IF. तो I क्या होगा हमारा,
आई जो होगा वो होगा हमारा क्या, वी आर बाय फोर बाय थ्री आर। आई आई जो है वो जीरो होगा और आई एफ क्या होगा, जीरो माइनस वी नॉट बाय थ्री आर। ओके ओके, तो यहां से अपन सॉल्व करेंगे, थ्री आर से थ्री आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वी नॉट अपना कितना आएगा, माइनस वी आर बाय फोर। ओके, तो जब अपन ने देखा कि बिट डी वन अपन हाई कर रहे हैं केवल, तो आउटपुट क्या मिल रहा है, वी नॉट माइनस वी आर बाय फोर। जब बिट डी टू हाई कर रहे थे तो आउटपुट क्या मिल रहा था, वी नॉट माइनस वी आर बाय टू। अगर अपन ओनली डी नॉट बिट हाई करेंगे तो आउटपुट मिलेगा अपन को वी नॉट माइनस वी आर बाय एट। आप इसको चाहें तो सॉल्व कर ले के देखें कि अगर आप इनपुट वन देंगे और ये जीरो देंगे तो आउटपुट जब आप फाइंड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वी नॉट इक्वल टू माइनस वी आर बाय एट। तो अपन टोटल आउटपुट इक्वेशन किस तरीके से लिख सकते हैं, आउटपुट इक्वेशन जो है वो अपन क्या लिख सकते हैं, वी नॉट इक्वल टू क्या होगा हमारा, माइनस वी आर इनटू ये जो है बिट, ये क्या है, डी नॉट बाय एट प्लस डी वन बाय फोर प्लस डी टू बाय टू। और अगर फोर बिट होता तो यहाँ पे सपोज ये बिट है डी थ्री, ये इस तरीके से चलेगा। तो अपन ने देखा था कि जो हमारा वोल्टेज था सेम, जो हमारा बाइनरी वेटेड रजिस्टर था उसमें भी जो आउटपुट था वो हमारा कुछ इस तरीके से था। तो सेम आउटपुट अपन को वोल्टेज इसमें भी मिल रहा है, बट इसमें जो रजिस्टर्स यूज किए हैं वो आर टू आर थ्री आर बस यही यूज किया, जबकि उसमें जो रजिस्टर्स की वैल्यू यूज कर रहे थे वो अपन क्या कर रहे थे, टू आर फोर आर एट आर इस तरीके से। और जितने बिट्स हमारे इंक्रीज होते जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग जो रजिस्टर की वैल्यू है वो इंक्रीज होते जा रही थी, बट इसमें केवल टू आर आर रजिस्टर्स अपन को रिक्वायर्ड है। नंबर ऑफ बिट्स भी बढ़ेंगी तो केवल ये यहाँ से प्रोसेस बढ़ेगा, मतलब और 2R और R हमारे क्या होंगे, पैरेलल में कनेक्ट होते जाएंगे। ओके, तो ये इसका क्या हो गया, हमारा जो वहां पे डिसएडवांटेज था वो यहां पे क्या हो गया है, रिमूव हो गया है। आउटपुट वोल्टेज अपन को सेम मिल रहा है। ओके, तो अगर ये अपन ने 3 बिट लिया है तो आउटपुट हमारा वोल्टेज जो है वो इस तरीके से होगा। अब अगर मैं देती हूं कि इसका जो आउटपुट है, सपोज डी जीरो डी वन एंड डी टू, अपन मैंने दिया 101। ओके, 101 ये हम इनपुट दे रहे हैं डिजिटल इनपुट, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, वी नॉट इक्वल टू माइनस वी आर। डी नॉट जो है ये क्या है, 1 बाय एट प्लस डी वन जो है वो क्या है, 0, तो ये 0 हो जाएगा। डी टू 1 बाय 2, तो ये क्या होगा आउटपुट, माइनस वी आर बाय 2 1 बाय 8 प्लस 1 बाय 2। इसको सॉल्व करेंगे आप तो क्या आएगा, वी नॉट इक्वल टू माइनस वी आर, एट एलसीएम लेंगे 1 प्लस 4 माइनस वी आर इंटू 5 बाय 8। ओके, आउटपुट वोल्टेज वी नॉट क्या आ गया, माइनस 5 बाय 8 इंटू वी आर, मतलब जो इनपुट अपन ने डिजिटल दिया था वो क्या हो गया है, एनालॉग में कन्वर्ट हो गया है। तो ये है हमारा आर टू आर लैडर टाइप डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, मतलब डिजिटल इनपुट देने पर अपन को एनालॉग आउटपुट मिल रहा है। आर टू आर टाइप, टू आर लैडर टाइप, दोनों टाइप के अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। ओके, थैंक यू।